हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। गाइस, जितने भी रवि तेजा सर के फैंस हैं और अगर आप टाइगर नागेश्वर रॉय मूवी का वेट करें ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अब मूवी की टीम काफी तगड़ा प्लान करने वाली, जो कि किसी ब्लास्ट से कम नहीं होगा। अब गाइस, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे, क्या हर्ष भाई, क्या वाकई में टाइगर नागेश्वर रॉय मूवी को पोस्टपोन किया जा रहा है? तो लिटरली मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि यार सालार पोस्टपोन हो गई है, अब टाइगर नागेश्वर रॉय को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मूवी की टीम एक सरप्राइज क्रिएट करके चल रही है रवि तेजा सर के फैंस के लिए। अब वो सरप्राइज क्या होने वाला है अपन जान लेते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आप ही के लिए। तो चलिए जानते हैं गाइज, टाइगर नागेश्वर रॉय की जो ऑफिशियल रिलीजिंग डेट थी 20 अक्टूबर की थी, और रिसेंटली जिस तरह का इसका ब्लास्ट लेवल का खूंखार एकदम डेडली फायर वॉल टाइप का जो टीजर आया था ना भाई साहब, हिला कर रख दिया था। क्योंकि रवि तेजा सर का जो लुक था, कैरेक्टर था एज अ मतलब कि चोर का था। अब जो इसकी 20 अक्टूबर की जो रिलीज डेट थी ना, तो गाइज अब इसे 20 अक्टूबर को रिलीज नहीं किया जाएगा। अब 20 अक्टूबर को रिलीज नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? तो जैसे कि आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि इसी महीने में काफी तगड़ी मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया, जिसका जो नाम है सालार सीज फायर को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब जो रवि तेजा सर की जो टाइगर नागेश्वर रॉय है ना, तो भाई उस मूवी की जो टीम है ना, वो ये प्लान कर रही है कि हम सितंबर मंथ में इसे रिलीज करें, ना कि अक्टूबर मंथ में। यानी कि बिफोर एक मंथ पहले मूवी की टीम प्लानिंग कर रही है इसे थिएटर में रिलीज करने का। और जो रिलीजिंग डेट होने वाली है ना, वही सालार के नेक्स्ट डे यानी कि 29th ऑफ सितंबर की इसकी रिलीजिंग डेट होने वाली है। मूवी की टीम भाई काम धाम पे लग गई है, शेड्यूल बना रही है, और काफी जल्दी मूवी की टीम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाली है कि अक्टूबर मंथ में रिलीज ना करते हुए इसे सितंबर मंथ में रिलीज करेंगे। यानी कि रवि तेजा सर की मच ब्लॉकबस्टर मूवी टाइगर नागेश्वर रॉय। और जब गाइज मैंने लिटरली अपडेट देखा ना कि इसे पोस्टपोन किया जा रहा है, जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया ना, तो लिटरली गाइज मैं हिल गया कि यार ये क्या हो रहा है यार, साला पोस्टपोन हो गई, अब टाइगर नागेश्वर रॉय पोस्टपोन हो गई। तो गाइज रवि तेजा सर के जो फैंस है ना भाई, घबराने की बात नहीं है, जो भी होने वाला, पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि मूवी की जो टीम है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। 19 अक्टूबर को थलापति विजय सर की लियो मूवी लग रही है, उसी के नेक्स्ट डे यानी कि टाइगर नागेश्वर रॉय लगने वाली थी, लेकिन उस समय ना लगते हुए अब भाई सितंबर मंथ में रिलीज होने वाली, यानी कि इसी मंथ में। और गाइज अगर मूवी की टीम 29th ऑफ सितंबर को प्लान कर रही है ना, तो काफी जल्दी इसका धमाकेदार भाई धमाकेदार ट्रेलर आने वाला है। अब देखते हैं कब ट्रेलर आता है, कब अपडेट आता है, आफ्टर दैट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी गाइज आप लोग हमें बताएं, रवि तेजा सर की मच ब्लॉकबस्टर मूवी टाइगर नागेश्वर रॉय के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आपके क्या ओपिनियन है भाई? इसी मंथ में, सितंबर मंथ में रिलीज होने वाली है, आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।